हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है, होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको फ्री फायर फ्रॉम एक्स हाई सेंसिटिविटी कॉन्फ़िग फाइल देने वाला हूँ। इस कॉन्फ़िग फाइल में आपके जो से हेड शॉट रेशो, आपकी ग्लोबल स्पीड, आपकी मूवमेंट स्पीड, आपकी एक्यूरेंसी, आपकी गन्स की एक्यूरेंसी, आपकी रेट ऑफ फायर, आपकी डैमेज, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी से लगने वाला है। और ये सब कुछ जो होता है वो आपको एक ही वो वीडियो में मिल जाएगी, यानी कि एक ही फाइल में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको 60 FPS ग्राफिक्स भी मिलेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना और नए वीडियो को मिस करना है। तो यार ये जो सी फाइल है ना, ये मैं 70 लेवल अकाउंट पर लगा के खेल रहा हूँ। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो, मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हो कि कितना लेवल है। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप लोगों को यहाँ से जो को ओपन करना है, यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली से इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको हाई सेंसिटिविटी फाइल को कौन एक्सट्रेक्चर कर लेना है। यहाँ पे एक्सट्रेक्चर करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना। पासवर्ड मैंने वीडियो में बता दी है, आप लोगों को वीडियो का स्किप नहीं करना। तो जैसे आप लोग वीडियो में पासवर्ड इंटर कर लोगे, इंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ से ओके का बटन पर टैप कर दें। मेरे यहाँ से मैं ओके के बटन पर टैप कर दूंगा जैसे ही मेरा पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको उसी फाइल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइल नजर आ रही होंगी, जिनमें से आपको 60 FPS वाली फाइल को यहाँ से कट करना है। फिर आपको यहाँ से डिवाइस मेमरी में आ जाना है, फिर आपको एंड्रॉइड में आ जाना है, फिर आपको डाटा में आ जाना है। डाटा में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, कॉमोडोर DTS फ्री फाइल में जाना है। फिर इसके बाद आपको फाइल्स में जाना, फाइल्स में आने के बाद डू एप में आ जाना, फिर ETC में आ जाना, फिर आपको मोनो में आ जाना। मोनो में आने के बाद आपको ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से आपको डिवाइस मेमरी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली से इसको टाइप करके स्क्रॉल डाउन करना, डाउनलोड का ऑप्शन में आ जाना, उसको उसी फाइल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर Y444 mbot वाली फाइल यहाँ से कट करनी है। फिर आपको डिवाइस मेमरी में आ जाना, फिर आपको एंड्रॉइड में आ जाना, फिर आपको डाटा में आ जाना है। स्क्रॉल डाउन आपको करना है Commodore DTS फ्री फायर में आ जाना है। जैसे फ्री फायर में आपको फाइल्स में आ जाना, फिर आपको कोडनाजी में आ जाना है, फिर आपको कंपलसरी में आ जाना है, फिर एंड्रॉइड गेम बंडल। गेम बंडल में आने के बाद आपको जैसे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको UI का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। आपकी फाइल पेस्ट होते ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जैसे डिवाइस मेमरी में आ जाना है। डिवाइस मेमरी में आने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ओपन करना है, उसी फाइल को ओपन कर देना है। 90 DPI वाले फाइल को यहाँ से कट करना है। तो आपको डिवाइस मेमरी में आ जाना, फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल एंड्रॉइड में आ जाना है, फिर आपको डाटा में आ जाना है, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, Commodore DTS फ्री फायर में आ जाना है। फिर जैसे आप फ्री फायर यहाँ से फाइंड कर लेते हो, उसके बाद आपको फाइल में जाना है, फिर आप लॉन्ग कॉन्टैक्ट में आ जाना है, फिर आपको कंपलसरी में आ जाना है। कंपलसरी में आने के बाद आपको ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से डिवाइस मेमरी में आ जाना है। जैसे आप डिवाइस मेमरी पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन फाइंड कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको उसी फाइल को ओपन कर लेना और यहाँ पे फिक्स लैग वाली फाइल को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको यहाँ से डिवाइस मेमरी में आ जाना है, फिर आपको एंड्रॉइड में आ जाना है, फिर आपको डाटा में आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करना है, Commodore DTS फ्री फाइल में आ जाना है, फिर आपको फाइल में जाना, फिर आपको कॉन्टेंट में जाना, फिर आपको कंपलसरी में जाना, फिर आपको एंड्रॉइड में जाना है। एंड्रॉइड में आने के बाद आप लोगों को फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको डिवाइस मेमरी में जाना है, फिर यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली से उसको ओपन करना है, उसी फाइल को ओपन कर लेना है। 0 कोड वाले फाइल को यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके कट करना है, फिर आपको डिवाइस मेमरी में जाना है, फिर आपको एंड्रॉइड में जाना है, फिर आपको डाटा में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, Commodore DTS फ्री फायर में जाना है। फ्री फायर में आने के बाद उसके बाद आपको फाइल्स में जाना है, फिर आपको यहाँ पर कॉन्टेंट में जाना है, फिर आपको कंपलसरी में जाना है, फिर आपको एंड्रॉइड में आ जाना है, फिर आपको गेम बंडल्स में जाना है। गेम बंडल्स में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी। जैसे आपकी ये फाइल यहाँ पे पेस्ट होगी, आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो चलेगी। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे। मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यार मेरा गला खराब था, फिर भी मैंने वीडियो